एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो रोहन। आई लव यू सो मच मैम। मैम, क्या आप मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करेंगी? मैम, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, आप मेरी टीचर हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैम वो कहते हैं ना कि प्यार के ऊपर ना किसी का जोर नहीं चलता। मैम, मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हम दोनों में एज डिफरेंस बहुत है, लेकिन मैम ये मेरे कॉलेज का थर्ड ईयर है और ये लास्ट ईयर है, और मैं नहीं चाहता कि आपको बिना प्रपोज करे ये मैं कॉलेज छोड़ दूं और सारी जिंदगी बस पछताता रहूं। मैम, अगर आपको इस चीज़ का बुरा लगा तो आप मुझे मना कर सकती हैं, लेकिन मैम मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा डैट आई लव यू। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। जब से इस कॉलेज को ज्वाइन किया तब से लेके आज तक मैं आपको पसंद करता आया हूँ। विल यू बी माई लाइफ पार्टनर? आई कैन बिलीव दिस, आई जस्ट कैन बिलीव दिस। मैम, आप हंस क्यों रही हैं? देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में आपको पसंद करता हूँ, आपको प्यार करता हूँ। मैम रोहन, मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास तुम्हें प्रपोज करने के लिए आने वाली थी। रोहन, विल यू बी माई लाइफ पार्टनर? क्या मैम, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे प्रपोज कर रही हैं, वो भी ऐसे रिंग लेके। हाँ रोहन, मुझे पता था तुम मुझे पसंद करते हो, मुझसे प्यार करते हो, पर मैं तुम्हारी टीचर हूँ, शायद इसलिए मुझे प्रपोज करने से डर रहे हो। तो मैंने सोचा तुम्हें डर लग रहा है, तुम हिचकिचा रहे हो, तो चलो मैं ही तुम्हें प्रपोज कर देती हूँ। मैम, ऐसे प्रपोज इजहार, मैं कुछ समझा नहीं, ये सब क्या है मैम? मैंने इस चीज़ को सोचने में बहुत टाइम लगाया। मुझे पता था तुम मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो, मुझसे प्यार करते हो, मुझे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ये बात बताई। मैम, आपको पता है वो जो हमारी क्लास का रोहन है ना, वो आपके पीछे पागल है, दिन रात बस आपके बारे में बात करता रहता है, और तो और नोटबुक्स पे भी उसने आपका नाम लिखा हुआ है। और पता है वो क्या कहता है? कहता अगर आपसे शादी ना हुई तो वो किसी से भी कभी शादी नहीं करेगा। आर यू मैड और व्हाट? वो भला मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचेगा? आई डोंट नो मैम, मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। एक्सक्यूज मी मैम, वो आपको ना संगीता मैम बुला रहे थे। संगीता मैम? क्यों? मैम मुझे तो नहीं पता, वो बी ब्लॉक में आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बोला तो मैं आपको बताने आ गया। हो सकता है उन्हें कुछ जरूरी काम हो, मैं होके आती हूँ। मैं मैम को कैसे बताऊं कि ये सब बस बहाने हैं उनके क्लोज आने के, उनसे बात करने के, और उनका ये झूठा खाना खाने के, क्योंकि उनका झूठा खाना खा के मुझे बहुत अट्रैक्शन फील होती है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, पता नहीं मैं जिंदगी में कभी भी मैम को बता भी पाऊंगा या नहीं कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं, मेरे दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। इस लड़के को पिछले 6 महीने से देख रही हूँ, ये मुझ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसे दिल का तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे पति से तो मुझे कभी प्यार मिला नहीं, और अब तो वैसे भी मेरे डिवोर्स को 4 साल हो चुके हैं। शायद भगवान का यही एक इशारा हो, यही मेरा सच्चा प्यार हो, पर क्या इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आना ठीक रहेगा? After all, ये मेरा स्टूडेंट ही तो है। रोहन, जब से मुझे ये बात पता लगी ना, मैं दिन रात बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी, तुम्हारा ही ख्याल चलता रहता था। मेरे हस्बैंड ने जिससे मेरी शादी हुई थी उसने तो कभी मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। प्यार तो बहुत दूर की बात है, 4 साल में ही हमारा तलाक हो गया, और मैंने भी कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठा के नहीं देखा।
पर जब मुझे पता लगा तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे भी थोड़ी हेजिटेशन हुई, क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट हो। और फिर मुझे लगा कि प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर तुम मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हो तो मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए ना। इसीलिए मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार आ गया रोहन। रोहन, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत कदर करती हूँ और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैम, आप सोच भी नहीं सकती हैं कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे टीचर, मेरे मैम जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो मुझे मेरी जिंदगी में मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आई रियली लव यू सो मच। आई रियली 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 लव यू सो मच मैम। आई लव यू रोहन। मेरी रिंग तो रो।